हेलो फ्रेंड्स, सुमिता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं सर्दियों के लिए बहुत ही खास लड्डू की रेसिपी, वो भी कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर मात्रा में। तो चलिए बनाने स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने सबसे पहले ऐड कर दी आधा कप हमने ले लिया है तेल। तो ये हमने सफ़ेद वाले तेल लिए हैं और ये हमने ले लिया 1/4 कप हमने खरबूजा के बीज ले लिए हैं, 1/4 कप ही हमने ले लिया है बादाम ले लिए हैं। तो इनमें सभी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन और बहुत ही ज़्यादा इसमें फाइबर और कैल्शियम से भरपूर होते हैं ये चीज़ें, सभी चीज़ें हैं जो। तो आप इस तरीके से लड्डू बना के सर्दियों में खाओगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे, आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द होता है तो दर्द भी नहीं होगा इससे, और कैल्शियम की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है और फाइबर की मात्रा भी बहुत ही ज़्यादा होती है इनमें। तो इनको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से रोस्ट होने के बाद में हम इसकी गैस बंद कर देंगे। देख सकते हैं ये चिटकने लगे हैं और गैस हमने बंद कर दी है, तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे एक साइड में। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी कुछ अगर आपके पास डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमारे से। तो ये हमने कढ़ाई दूसरी में इसमें डाल के दोबारा से इसमें हमने ले लिया आधा कप मूँगफली ले लिए हैं। तो इनको भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारे को 2 मिनट हो चुकी है इसको रोस्ट करते, इसका छिलका भी अच्छे से उतरने लगा है। तो गैस हम बंद कर देंगे, इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से चला लेंगे। तो इसमें हमने 1 से 2 चम्मच के करीब इसमें घी डाल दिए हैं। तो मूँगफली में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। यह हमने ले लिया 2 चम्मच खसखस ले लिए हैं और 1 चम्मच ले लिया हमने सौंठ का पाउडर ले लिए हैं। इनको भी अच्छे से लो फ्लेम पे इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं यकीन से बोल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर ये आपकी बिल्कुल थकान दूर कर देंगे। आप इस तरीके से लड्डू बनाओगे तो सर्दियों में बिल्कुल भी आपको सर्दी का एहसास नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा गर्माहट देने वाले लड्डू है ये। तो आप बच्चे बड़े सभी इसको बना के खा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारी खसखस और सौंठ का पाउडर है वो भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इनका कलर है जो थोड़ा थोड़ा चेंज हो चुका है, देख सकते हैं। तो अब इसकी भी हम गैस बंद कर देंगे। तो देख सकते हैं कितने परफेक्ट तरीके से सिक चुके हैं ये। तो ये हमने एक साइड में रख दिया था तिल और खरबूजे के बीज को हमने ठंडा होने के लिए, बादाम को। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा हल्का दरदरा पाउडर तैयार करेंगे, आपको ज़्यादा बारीक पाउडर इसका नहीं बनाना है। तो इसको बंद चालू करते हुए आप इसको प्लस में इसको करते हुए आपको चलाना है, जब भी आपका अच्छे से दरदरा पाउडर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा इसका पाउडर बनके तैयार हो चुका है। और ये हमने मूंगफली का छिलका उतार के इसको भी हम इसी तरीके से दरदरा इसका भी पाउडर बना के तैयार कर लेंगे, ये देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं यकीन से बोल रही हूँ, आप एक बार इसको ज़रूर बना के ट्राई करें। आप इसको स्टोर कर सकते हैं, एक बार बना के आप 1 महीने के लिए स्टोर करके, और आप रोज़ सुबह सुबह इसको 1 गिलास दूध के साथ में अगर लोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा इसमें, बहुत ही ज़्यादा आपके शरीर में बहुत ही बीमारियों का नाश कर देगा ये, बहुत ही थकान वकान सब दूर कर देगा आप इस तरीके से बना के ले लोगे। तो बड़े हो तो आप इसके 2 लड्डू खा सकते हैं, अगर नहीं खाए जाते तो आप सुबह शाम भी 1-1 लड्डू करके भी आप इसको खा सकते हैं, बच्चों को भी आप खिला सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं ये लड्डू। तो हम तो इसको हर तरीके से इसको इसी टाइम बना के और हमने रख लेते हैं। तो थोड़ा सा इसमें घी डाल देंगे, 1 चम्मच करीब घी और डाल देंगे, और फिर हम इसमें गुड़ को मेल्ट करेंगे। आप गुड़ में पानी या चाशनी नहीं बनानी है, आपको पानी वानी डाल के चाशनी नहीं बनानी है उसकी। तो ये देख सकते हैं हमने ये 1 कप करीब हमने गुड़ को अच्छे से क्रश करके ले लिए, इसको थोड़ा दरदरा कूट के ले लिए हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको पिघला लेंगे गुड़ को, कि क्योंकि गरम घी में डालेंगे तो ये गुड़ है जो अच्छे से पिघल जाएगा। अगर आप चाशनी बनाओगे तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा गीला गीला लगेगा। तो आपको ड्राई लड्डू बनाने हैं, आपको 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं आप इस तरीके से लड्डू बना के। और आप चाहो तो इसकी बर्फी वर्फी भी बना सकते हैं, जैसो आपको शेप पसंद है उसी शेप में आप बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है ये। तो इसकी भी हम गैस बंद कर देंगे, देख सकते हैं पूरा अच्छे से पिघल चुका है ये। ये देखिए हमने इसकी भी गैस बंद कर दिए हैं, और जो हमने मिक्स तैयार करके रखा था उसको इसमें गरम गरम में डाल लेना है आपको। और
अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसको गरम गरम तुरंत में इसके लड्डू बना लेंगे। आप इसकी बर्फी भी जमाना चाहो तो आप इसकी बर्फी भी जमा सकते हो। और अगर आपका मिक्स ज़्यादा टाइट हो जाए तो आप इसमें एक दो चम्मच घी की डाल के दोबारा से आप इसको हल्का सा गर्म कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप कितने परफेक्ट ये बहुत ही हेल्दी लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। आपको सर्दी में कहीं पे भी आपके जोड़ों में या कहीं पे अगर दर्द हो रहा है तो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर शरीर में दर्द होता है कैल्शियम की कमी से होता है। तो आप इस तरीके से बना के खाओगे तो कैल्शियम की कमी बहुत ही जल्दी दूर हो जाती है। तो हम सभी लड्डू बना के इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट हमारे लड्डू बनके तैयार हो रहे हैं। और आप चाहो तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं आपकी चॉइस के हिसाब से। तो ये देखिए हमारे सभी लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए एक हम इसको सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे। आप इसको बना के रिस्टोर कर सकते हैं। परफेक्ट लड्डू बनके तैयार हो गए हैं ये। तो हमारे सिंपल तरीके से हेल्दी प्रोटीन फाइबर से कैल्शियम से भरपूर लड्डू बनाने की वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।